कसौली घूम के आए भी, दिल्ली जा रहे हैं। ये चेक करो, पहले था सोलान जाने का, बट अब चहल का प्लान बन रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अपना तो यहाँ का जो स्टे था वो हो गया भाई, कल फुल एंजॉय हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। मस्त हमने पूल वूल गए थे, ट्रैक भी करा, बहुत कुछ घूमे, ओल्ड चर्च पे फोटोज खिंचवाई, मतलब काफ़ी एंजॉय करा था। एक दिन में लगा नहीं कि एक दिन में इतना कुछ कवर हो पाएगा, बट काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। अब यहाँ से अपना प्लान है, टाइम वैसे हो चुका 10 बजे, तो फटाफट से यहाँ से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करके यहाँ से हमारा प्लान है चहल जाने का, पहले था सोलान जाने का, बट अब चहल का प्लान बन रहा है। तो लेट्स सी कहाँ की तरफ निकलते हैं। अभी तो बिल्कुल गंदा हो रखूँ, एक बार फटाफट नहा के एकदम फुल सेट होके फिर हम चलेंगे भाई, जहाँ भी अपना डेस्टिनी होगा, सोलान जहाँ मैंने वो वीडियो में बता दूँ। सो गाइस ये चेक करो, अभी का टाइम है अराउंड 2, और हम सोच रहे हैं भाई नदी किनारे होटल ले लें, जैसे ये वाला है बढ़िया रिजॉर्ट सा। ऊपर चहल, ये भी है घूमने का जो एरिया, बट चहल जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। चेक करो भाई, बहुत ही ऊंचाई पे, बहुत सुबह। अपना यहाँ का विजिट काफ़ी अच्छा रहा है, मंदिर का काली टिब्बा मंदिर। अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं, दर्शन वगैरह ले लिए, बहुत ही बढ़िया जगह है, ज़रूर विजिट करना। ऊंचाई पे है, पहाड़ों के बिल्कुल ऊंचाई पे। चलते हैं भाई अपनी दूसरी लोकेशन पर, लेट्स गो। ये चेक करो, मैं तो करा देंगे वीडियो। वैसे हम पहुंच चुके हैं अपना चहल पैलेस। ये देखो भाई चहल पैलेस लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने भाई पढ़ सकता है। चहल पैलेस का लॉन्च ऐसा है भाई, और रोल बार अंदर का ऐसा कुछ है। मिल गए ऑफिस, ये देखो भाई कितनी खूबसूरत जगह है। तो गाइस अब हम यहाँ पे होटल में रुकने वाले, इस वाले देखते हैं हम चारों का यहाँ पे कितना पड़ेगा। कॉटेज तो यो भाई, हम यहाँ का रूम देखने जा रहे हैं, पसंद आया तो भाई ले लेंगे आरती के साथ ही। ये भी देख लो राजकुमारी 215 नंबर। अरे अरे इस
इसकी छत देखो भाई इतनी ऊपर, ये वाला रूम मिल जाएगा और ये यहाँ से व्यू। ऊपर जो थ्री इडियट्स का एक बंदा था वो शूटिंग का भी यहीं कुछ सीन था, वो घर का। बाथटब भी है। ये सारे अलग अलग रूम के नाम है, ये महारानी रूम और दे भी रहे स्टे हो सकता है, बाकी सारे फुल है, वो एक ही अवेलेबल है अभी। और एक और कॉटेजेस हैं वहाँ चल के दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ की जो लोकेशन है ना बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, यहाँ पे आओ अपना स्टे भी कर सकते हो। और जैसे ITC के होटल्स होते हैं उतना ही है रेट, ज़्यादा नहीं है, 15,000-20,000 से स्टार्टिंग है, तो ठीक है बंदा अफोर्ड कर सकता है। ITC में भी तो इतना ही लगता है ना, अगर जैसे लव्ड वंस वगैरह अपना कपल कुपल आना चाहे, इवन फैमिली भी, तो बहुत ही बढ़िया जगह है कपल्स के लिए, तो बहुत ही तगड़ी जगह। बाकी मैंने सब दिखाई दिया। तो गाइस ये यहाँ के हैं कॉटेजेस, तो पहाड़ों में कॉटेजेस कुछ इस तरह के होते हैं, आके अपना स्टे करो बिल्कुल शांति, जिसको शोर शराबा नहीं पसंद अपना आके यहाँ पे अपना मैटर बिठाओ। पीस ऊपर से मेन बात तो ऊपर है ना सीढ़ी, ये ठीक है। तो इस तरह भाई यहाँ के कॉटेजेस होते हैं पहाड़ों पे, यहाँ दो बंदे सो जाओ नीचे दो बंदे। दिक्कत तो कुछ नहीं है भाई, ओके रिपोर्ट है भाई। हीटर लगे पड़े हैं यहाँ पे ऊपर, ठंड रहती है करके, फुल पीस भाई, शांति किसको नहीं पसंद आएगी ऐसी जगह। ये वाला कॉटेज थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल में, तो भाई बहुत सारे कॉटेजेस देख चुके हैं, ये वाला और ये सारे देख लिए, बस देखते ही जाते हैं कौन सा पसंद आएगा उसमें से देख लेंगे। तो गाइस सारे कॉटेजेस देख लिए, सब कुछ देख लिया, बट मन नहीं मना सबका क्योंकि सबके उससे जाना था। तो अब मैं देखो कहाँ पे हूँ, तो मैं हूँ भाई यहाँ पे मतलब यहाँ पे हल्का हल्का दिखाऊँ तो देखो मैं हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हो थार तो दिखा दी मैंने, थोड़ा सा वो भी दिख रहा होगा, मैं हूँ भाई यहाँ पे जन्नत में, जन्नत देख रहे हो भाई, इसको बोलते जन्नत। बढ़िया यहाँ बैठेंगे अपना कैंप, वहाँ पे लगेगा रहने का, यहीं पे रहेगा अपना स्टे। बढ़िया बीच में जाके बैठ सकते हैं। दो दिन में इतना कुछ देखने को मिला, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह रुक रहे हैं हम लोग, क्या बताऊं। ये कॉटेजेस हमें था कि ऊपर तो पैलेसेस थे, ठीक है पैलेस भी सही है कि ऑलरेडी हम लोग एक बार रुक चुके थे एक बढ़िया से रिजॉर्ट में, तो अपन ने सोचा अब की बार रिवर साइड में देखें, वहाँ पे भी था सही पड़ रहा था, बट सबके इससे चलना चाहिए ये पता है किसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे ये भी ठीक है, मैं यहाँ भी खुश हूँ वहाँ भी खुश था,
वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खुश था, वो भी एक रीज़न है। यहाँ पे भी खुशी हूँ, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चेंज, ये भी एक तगड़ा चेंज है। तो ये सारे कॉटेजेस और यहाँ पे नदी किनारे बैठो बढ़िया, और आगे कैंप्स भी हैं, वो दिख रहे होंगे कैंप टेंट से जो बने। सो गाइस, मेरे व्लॉग बनाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये भी है कि और किसी को भी इस जगह आना हो तो आ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो देख लिया, मैं दोबारा तो नहीं आऊँगा, बट आ भी सकता हूँ मे बी, क्योंकि ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा कम करता हूँ, कम जाता हूँ। यहाँ पे आओ तो तुम लोगों को मतलब सीज़न में थोड़ा महंगा मिल सकता है, जैसे नवंबर के टाइम के आसपास, बट वैसे ऑफ सीज़न आओ तो सही मिल जाएगा। मतलब कॉटेजेस ना, एक कॉटेज दो बंदे की जरूरत 1500 से 2000 के आसपास मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ भी सकते हो कि हाँ भाई फैमिली आ रही है पूरी, तो पूरा का पूरा ये ले लो कि तीन 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 वो है कॉटेज, प्लस खाना पीना भी सब कुछ मिल जाएगा। चिप्स वगैरह लेने हो तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि एक बार जाओ तो सारा सामान लेके ही आओ, खाने का तो डिनर सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो भाई फाइनली हमें एक मिल गया, को नदी का किराना भी मिल गया, वो देखो व्यू भी मिल गया, आग लग रही है, और ये ब्रिज भी मिल गया। भाई मौत पर कुआई है ये देखो भाई साहब, एक भी गई ना सीधा नीचे डेड। आना आगे तो है, तो यो भाई अपना कॉटेज यहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे बोनफायर का सिस्टम है भाई, हमें ब्रिज मिल गया, खाने पीने का सामान भी यहीं पे है, और ये अपना रिवर जिसकी तलाश में हम थे, वो भाई तलाशी हो गई। तो भाई रिवर के बीचों बीच अपन बैठेंगे, फोटो फाटो खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे तो भाई ज़रूर है ना, बहुत सारे कॉटेजेस हैं, सबका अलग अलग व्यू है। यहाँ का व्यू तो अलग ही है, पहाड़ों के बीचों बीच में है देखो। ये रात में कुछ ऐसे पानी है आगे, बट दिख भी नहीं रहा। और ये अपना पूल है, अभी अंदर थोड़ा सा बैग वैग ये देखो भाई टांग रखा है, ये बैग उतार के शॉर्ट्स वगैरह पहन के फिर पूल में चलेंगे, रात में खाने का भी इंतज़ाम देखना है। और बोन फायर तो लगा ही, वैसे दिक्कत नहीं है, इतनी ठंड नहीं है इसलिए। देखो भाई चिकन खिलाया जा रहा है मिश्रा जी के हाथ से। इधर देखा कैसे आज चिकन, चिकन के नाम पे इतनी जल्दी आया है बेटे, चिकन बहुत पसंद है। पनीर भी खाया कर, थोड़ा पनीर भी खाया कर। भाई जब भी आओ भाई पेट ज्यादा हो रहा है, रोटी कम खाना, रोटी कम खाना। गाइस हेलो गाइस, गाइस चेक करो भाई नदी किनारे में मारना, मेरी आंख में मारो फ्लैश, ये व्लॉग में डाल दियो। अच्छा गाइस तो भंडारी है पूरी की पूरी, आंख खोल के दिखा, चल चैलेंज है, आंख खोल, आंख खोल। गाइस 50,000 रुपए आ गए गाइस, पर आंख मार, गाइस मैं सबके पैसे दे रहा हूं, सबके पैसे घूम के आए दिल्ली जा रहे हैं।